तो दोस्तों फाइनली आज अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ी और भारत के लिए एक अहम खबर निकल के सामने आई है और 4 सालों के इंतजार के बाद फाइनली भारत और अमेरिका के बीच में एक डील फाइनल होने जा रही है। दरअसल आप सभी को पता होगा कि 2018 में भारत और अमेरिका के बीच में 30 MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन की जो डील है उसको डन करने की बात कही गई थी, परंतु 4 साल से इस डील के ऊपर बातचीत होती चली आ रही है। अभी तक यह जो डील है वो फाइनल नहीं हुई है और इसके पीछे वजह थी कि अमेरिका इस ड्रोन का प्राइस काफी ज्यादा हाई यानी 820 करोड़ रुपए रखा था और इस ड्रोन की जो तकनीक है वो इतनी कीमत में भारत को भी देने को तैयार नहीं था, जिसके कारण से यह जो डील थी वो बीच में अटक गई थी। परंतु आज यह खबर निकल के सामने आ रही है कि भारत और जनरल ऑटोमैक्स के बीच में जो बातचीत चल रही थी इन 30 ड्रोन की डील को लेकर वो अब कंप्लीट हो चुकी है और जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच में इस डील को साइन कर दिया जाएगा। परंतु इस डील में अमेरिका ने अपने ड्रोन का जो प्राइस है वो 820 करोड़ रुपए से कम बिल्कुल भी नहीं किया है और भारत को आज भी यह 30 ड्रोन $3 बिलियन की कीमत में पड़ेंगे। और साथ में अमेरिका ने सिर्फ इतना कहा है कि इस ड्रोन की जो कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी है वो भारत को प्रदान कर दी जाएगी और भारत की शर्तानुसार अमेरिका इस ड्रोन की तकनीक को भारत के स्वदेशी ड्रोन के अंदर इस्तेमाल करने की जो परमिशन है वो भी भारत को दे देगा। साथ में जो ड्रोन है उनमें से 18 ड्रोन भारत के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरह बनाए जाएंगे, बाकी जो बचे 12 ड्रोन हैं वो सीधे अमेरिका की तरफ से भारत को समय सीमा पर डिलीवर कर दिए जाएंगे और इस प्रकार से भारत की तीनों ही सेनाओं के लिए 10-10 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की जो डील है उसको कंप्लीट किया जाएगा, जो कि आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर कंप्लीट होने की उम्मीद है। वैसे भी भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल था जिसलिए हमें 820 करोड़ में इस ड्रोन को खरीदते समय कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, परंतु आप सभी किस टॉपिक के अंदर क्या राय है और क्या आप सभी को भी लगता है कि यह ड्रोन वाकई भारत को बहुत महंगा पड़ा है, हाँ या फिर ना, कमेंट बॉक्स में। फिर आप इस चीज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।